कैसा रहा भाई पेपर आपका? भाई पेपर बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा पेपर। अच्छा, क्या किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले आपको कुछ? भैया अच्छे थे, पर्सन अच्छे आ रहे। अच्छा आ रहे। तैयारी करके गए थे आप? हाँ तैयारी करके गए। कब से तैयारी कर रहे हो? भैया एक साल हो गया तैयारी करते हुए। एक साल हो गया तैयारी करते हुए। तैयारी करते हुए। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? भाई 80 हो गए अटेम्प्ट। 80 करे आपने? हाँ 80 करे। आपने भी 80 करे? 80। बहुत अच्छा अटेम्प्ट करे आपने। आपने भी करे 80? जी। तो भाई कैसा जीके कैसी लगी आप लोगों को? जीके हार्ड भाई। जीके थोड़ी हार्ड थी भाई। जीके हार्ड थी? हाँ थोड़ी हार्ड थी। जो भी बच्चे आ रहा है सबके पसीने निकल रखे जीके में। मैथ रीजनिंग आसान लग भी नहीं रहा मुझे। मैथ रीजनिंग आसान था दोस्त। मैथ रीजनिंग आसान थी। इंग्लिश भी ठीक थी। इंग्लिश भी ठीक। हाँ थोड़ी जीके मुश्किल थी। जीके मुश्किल थी। आपको इंग्लिश कैसी लगी? इंग्लिश एक नंबर की। आसान लगी? इंग्लिश का लेवल बहुत इजी था। बहुत आसान था। आपको लग रहा है जो बच्चा एक साल तैयारी करके जा रहा है निकाल देगा पेपर? लगाट देगा। 6 महीना में लगाट दे पेपर तो। तैयारी करागो तो 6 महीने में निकाल देंगे। हाँ तैयारी करागो तो 6 महीना। अच्छा 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 अच्छा। तैयारी करा। तैयारी करना पे बात है भाई। तैयारी करने के ऊपर बात है। आप लोग कब से कर रहे हो? मैं तो तैयारी ना कर रहा हूँ। तैयारी नहीं कर रहे मगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। इन भाई का कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है कि सबका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। घूमने फिरने आए थे, दे दिया पेपर सही। मतलब मौज मौज में दे दिया। और मौज। अच्छा आप में से कोई ऐसा भी है जो ऐसे करता है 1-2-3 जय माता दी लगा दिया? ऐसा तो नहीं? ना ना ऐसा नहीं करते। ना जय माता दी बोल दिया नाल एक भाई तुक्का मारया रे उसने। जय माता दी बोल लिए लगा दिया। वो बिना बोले लगा देते हो। अच्छा और भाई गणित वगैरह कैसी लगी? मैथ आसान था। बिल्कुल आसान बिल्कुल आसान था। मैथ सारा हो गया सही थी। अच्छा अच्छा। ओवरऑल पेपर कैसा बोलोगे? ओवरऑल ठीक था। ठीक था। ठीक था। गच था यार। गच एकदम बढ़िया। बढ़िया। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को कुछ बताओ पेपर बच्चा तैयारी करके जाए मोटिवेट होके जाए क्या बोलना चाहोगे जनता को? भाई पेपर तैयारी करोगा तो है वो। अच्छा 6 महीना भी हो जाओ 2 महीना भी हो जाओ बढ़िया तैयारी करो भाई बोला सही होगा। मारे जो आओगा बढ़िया तरीके से मेहनत करके जाए। जो बच्चे डर रहे हैं कि आज के टाइम पे करप्शन ज्यादा है डर के ना जाए। मैं बिल्कुल आपको इधर आना चाहिए वहाँ से बोल रहे हो गलत बात है ठीक है। अच्छा भाई एक बार बोल दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कर दियो भाई लाइक शेयर। हरियाणा वाले अपना प्यार दे जरा। सही कहा भाई। सारा ले दिया भाई प्यार पूरे सब कम। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे रहा पेपर आपका? ठीक था। क्वेश्चन छूट जाते हैं। अच्छा एग्जाम लेंथी होता है ना। अच्छा कितने अटेम्प्ट करे आपने? 70 के आसपास। 70 ना। हाँ जी। अच्छा अटेम्प्ट है ये तो। कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? 1 ईयर हो गया है प्रिपरेशन करते करते। हाँ जी। अच्छा जीके जीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे थे? क्वेश्चंस आए थे डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ठीक है ज़्यादातर जीके के। और जीके में यही था कि बुक्स से रिलेटेड आए थे क्वेश्चंस की कौन से ऑथर ने कौन सी बुक्स लिखी हैं। अच्छा मतलब जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो बुक्स कौन से ऑथर ने कौन कौन सी लिखी है डांस हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया ऐसे पढ़ के जाए। अच्छा और इंग्लिश कैसी लगी आपको? इंग्लिश ठीक थी। ओके था। ठीक थी। कोई वोकैब वगैरह पढ़ी भी आई आपकी? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई भी पढ़ा हुआ नहीं आया क्या? अच्छा ज़्यादा नहीं की थी प्रिपरेशन। कोई भी या एक इंग्लिश का कोई वर्ड याद है आपको? कोई वोकैब का वर्ड याद हो कोई? एक आया था फ्रेगाइल वर्ड सिनोनिम बताई थी। हाँ जी मतलब जो नाजुक होता है वल्नरेबल टाइप है ना। हाँ जी और कोई इडियम और फ्रेज याद हो? एक आया था नहीं ऐसे ही था टू बी कट एंड ऑड करके। अच्छा अच्छा और हाँ जी एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव से। हाँ जी एक क्वेश्चन आया था उससे। अच्छा और नरेशन में से? नरेशंस में इससे काफ़ी आए थे क्वेश्चन। स्पेलिंग टेस्ट आए थे 3-4 के आसपास। एक लास्ट क्वेश्चन ओवरऑल एग्जाम को 1 से 10 की रेटिंग देनी हो तो क्या दोगे आप? 8 दोगे। इतना टफ लगा आपको क्या? चलिए आप जाइए आपके आइसक्रीम भी पिघल।